यूट्यूबर और खुद को रोस्ट कहने वाले कैरी मनाटी ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नाम से एक वीडियो बनाया। यूट्यूब ने उसे साइबर बुलिंग मानकर डिलीट कर दिया। अब इसके बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक रोस्ट वीडियो बनाकर कैरी को बताया कि रोस्ट कैसे करते हैं। कैरी फैंस ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया, कहा कि कॉन्टेंट में दम नहीं है। कैरी मनाटी ने सभी लोगों को जवाब देने के लिए यलगार नाम का एक म्यूजिक वीडियो बनाया। ये वीडियो पिछले एक हफ्ते से YouTube इंडिया पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बना हुआ है, लेकिन अब कुणाल कामरा ने वापसी की है और तथ्यों के आधार पर उनका कहना है कि कैरी ने जो गाना बनाया उसकी धुन चोरी की है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 10 जून को एक तंजनुमा ट्वीट करके लिखा कि डियर कैरी फैंस, इसे प्लेजरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी कहते हैं। किसी ने बेचारे कैरी के दिमाग से धुन चुराई और 2 साल पहले ही ये अलगार बना दिया। YouTube इंडिया कॉपीराइट पर आपका क्या मत है? मेरी कहानी मुझे बतानी है पर ओरिजिनल ट्यून नहीं बनानी है। अपने इस ट्वीट के साथ कुणाल ने सिंगर बाबू हाबी के 2016 में आए गाने बोबू कांता का वीडियो भी लगाया। कैरी मनाटी के यलगार और बाबू हाबी के बोबू कांता की धुन काफी मिलती जुलती है। हालांकि कोई जस का तस धुन तो इस्तेमाल करेगा नहीं, फिर भी कमोबेश मामला सेम है। बाबू हाबी मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने उड़ता पंजाब में चिट्टा वे, मनमर्जिया में बिजली गिरेगी और भावेश जोशी सुपर हीरो में हम हैं इंसाफ जैसे गाने गाए हैं। अब ये तो फिल्मी बातें हो गई, लेकिन वो फिल्मों से इतर भी लगातार गाते रहते हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के तौर पर। वापस कैरी मनाटी और कुणाल कामरा की ओर आते हैं। YouTube वर्सेस TikTok द एंड वीडियो हटाने के बाद कैरी बहुत दुखी हो गए थे और ये देखकर उनके फैंस बौखला गए। ट्विटर से लेकर YouTube जहां कमेंट करने का ऑप्शन होता है वो लोग वहां कैरी मनाटी की तारीफ कर रहे थे या फिर TikTok को गरिया कर आ जाते। लेकिन दिक्कत ये थी कि कैरी को जिस बात के लिए डिफेंड किया जा रहा था उसमें एक्चुअली गलती भी खुद कैरी की ही थी। आप किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या थर्ड जेंडर का मजाक उड़ाकर खुद को प्रोग्रेसिव और स्मार्ट कहेंगे, ये बात फनी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। यही बातें कुणाल कामरा ने कैरी को रोस्ट करते हुए अपनी वीडियो में कह दी। इसके बाद से कैरी फैंस उनकी वीडियो को डिसलाइक करने लगे और उस पर बुरे बुरे कॉमेंट्स भी करने लगे। अब बात हाथ से निकल चुकी है और ये देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैरी मनाटी अपनी इस साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म को कैसे डिफेंड करते हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी श्वेतांक ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।